नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई दुबई के साइबर लॉ से रिलेटेड। जी हाँ भाई, एक अच्छी न्यूज़ हो सकता है आप लोगों को पता लग गई होगी। नहीं पता लगी है तो मैं बता दूंगा। व्हाट्सएप से रिलेटेड, सोशल मीडिया से रिलेटेड, जी हाँ फेसबुक से रिलेटेड, दुबई के सरकार ने या वहाँ के मान लीजिए कि मंत्री, उन्होंने भी घोषणा कर दी है कि भाई हम आप इनके ऊपर से प्रतिबंध हटा रहे हैं। जी हाँ, अब कब तक हटेगा, क्या होगा, हम डिटेल से बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए भाई, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको वे से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। जी हाँ साथियों, दुबई ने वे सरकार ने बता दूँ शुरुआत कर दी है 29 सितंबर से कुछ लोगों के व्हाट्सएप कॉलों को टेस्टिंग के लिए, वॉइस कॉल को टेस्टिंग के लिए इसमें डाला गया था, जिसमें स्मार्टफोन जो यूज़र्स हैं व्हाट्सएप पे, अन्य जैसे स्काइप पे, अन्य जूम वगैरह इनका लोग उपयोग कर रहे हैं, इसको भी उनके ऊपर जल्दी, जो लोग इन चीज़ों का यूज़ लेते हैं उनके लिए भी ये बेनिफिशियल स्टार्ट, सबसे पहले उनको उनके ऊपर टेस्टिंग करने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, 100% श्योर गारंटी की न्यूज़ बता रहा हूँ आपको कि व्हाट्सएप, फेसबुक और ये जो सिस्टम है ये सरकार स्टार्ट करने की अभी तैयारी में है, लेकिन कुछ उनके ऊपर प्रैक्टिकल किया जाएगा, कुछ कानून बनाए जाएंगे उसके तहत ये प्रोसेस जल्दी स्टार्ट कर दिया जाएगा। जी हाँ, आपको पता होगा साथियों, दुबई में यूएई में वॉइस ओवर प्रोटोकॉल जो होता है, एक साइबर लॉ से रिलेटेड इसको बोल सकते हैं, इसके तहत आपको पता है व्हाट्सएप कॉलिंग करना प्रतिबंध है, वीडियो कॉल तो करना दूर की बात है। जी हाँ, हालांकि दुबई में लोग आपको पता है वॉइस कॉल आप करते ही हैं यार, व्हाट्सएप जैसे सबको पता है, अलग अलग ऐप आते हैं आजकल, वो ऐप अपने मोबाइल में आप डाउनलोड कर लेते हैं, फिर वो कनेक्ट करके उसको वॉइस कॉल करने से पहले उसको कनेक्ट करना होता है, फिर आप आराम से उसमें बात कर सकते हैं। लेकिन इस अब झंझट से हटाया जा सकेगा और डायरेक्ट आप व्हाट्सएप कॉलिंग से वॉइस कॉल कर सकेंगे। हालांकि वीडियो कॉल करना, इसके बारे में अभी तक पूरी जानकारी नहीं है, इसके बारे में भी आएगी तो हम आपको जरूर बताने की कोशिश करेंगे। ये सरकार के जो साइबर सुरक्षा सलाहकार है उन्होंने ये बताया है, व्हाट्सएप फेसबुक पर भी प्रतिबंध जो लगाया हुआ है सरकार ने, वो हटाने की प्रक्रिया चल रही है, जल्दी उसके ऊपर फैसला लिया जाएगा। जी हाँ, इसकी कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है कि भाई कब तक इसको हटा दिया जाएगा, लेकिन ये बहुत बड़ी न्यूज आ सकती है। जैसे इंडिया से टिकटॉक वगैरह काफी सारे ऐप्स बैन है, लेकिन दुबई में टिकटॉक चल रहा है, तो सेम आप बहुत सारे लोगों का कमेंट डाल सकते हैं, सर फेसबुक तो चल रहा है भाई, वो इंडिया में अपलोड आपने किया था और वो वहां पे चल रहा है, लेकिन वहां पे प्रतिबंध है इस चीज को, समझ गए। तो ये चीजें हैं, तो इनको अच्छी बात है अगर इसको सरकार देखिए, वे सरकार भाई विजन 2030 तो सऊदी का है, वो 2025 तक ही बहुत कुछ करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है एक्सपो 2020 आ रहा है, वर्ल्ड के जितने भी 6 महीने तक वहाँ पे वो करोड़ों लोग पहुँचेंगे, उनके व्हाट्सएप कॉलिंग में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सभी देशों में, गल्फ देशों को छोड़ के सब जगह वॉइस कॉल व्हाट्सएप में कोई दिक्कत नहीं है, गल्फ देशों में प्रॉब्लम है, उसमें भी कई देशों में, तो वो नहीं चाहते भी सरकार की हमारी वजह से और जो विदेशी लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, बिजनेसमैन आते हैं, उनको ये प्रॉब्लम हो, तो उनको देखते हुए जल्दी इसको फैसला लेके हटा दिया जाएगा। टेस्टिंग चल रहा हो सकता है 1-2 दिन में हट चुका होगा, या आप वीडियो देख रहे हैं तब तक इसको हटाया जा चुका है, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं डायरेक्ट व्हाट्सएप कॉलिंग से, क्या पता आपका नंबर भी इस श्रेणी में आ जाए कि आप डायरेक्ट वॉइस कॉल कर सकते हैं व्हाट्सएप से। बस ये अपडेट देनी थी साथी, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जानकारी के साथ। जय हिंद।